कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है। मैं फातिमा दुआ आज के न्यू ब्लॉग के साथ आपके मैं हाजिर हूँ। आज मैं बनाई हूँ चटपट मज़ेदार का पिज्ज़ा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1/2 कप फ्लॉर, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टेबल स्पून ईस्ट, 2 चुटकी चिल्ली फ्लेक्स और 2 चुटकी ऑरिगानो, 1/2 टीस्पून शुगर, 2 चुटकी सॉल्ट, और यहाँ पर मैंने नीम गर्म पानी लिया है थोड़ा सा। यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून वाटर डालूँगी, 3 टेबल स्पून, और यहाँ पर सारे मसाले डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो यहाँ पर मैं मैदा डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं 4 टेबल स्पून थोड़ा सा और पानी डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 5वां भी डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने इसके अंदर 8 टेबल स्पून पानी और डाल दिया था। ये देखिए, इस तरह मैं हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया था। इसको इस तरह का बैटर चाहिए। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग ऑयल डालेंगे 1 टेबल स्पून। अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने पिज्जा ट्रे लिया है, इसको थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। हमने पिज्जा ट्रे को ग्रीस कर लिया है और ये हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है। इस तरह का बैटर हमारा होना चाहिए, देखिए। अब इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसको ट्रे में फुला दिया है, अब हम इसको 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने लिया है चिकन और गार्लिक 1 टेबल स्पून, ओरिगानो 1/2 टेबल स्पून, चिली फ्लेक्स 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, बेक पेपर 2 चुटकी, और यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है जिसके अंदर मैं चिकन डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मसाले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये 2 टेबल स्पून योगर्ट, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हड्डी डाली थी, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है जिसको मैंने जिसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है, गर्म हो चुका है। अभी भी इसके अंदर ये चिकन पेस्ट डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चिकन को फ्राई करेंगे। मैंने पिज्जा सॉस ली है, इसको मैं पिज्जा डो के ऊपर लगाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको नरम हाथ से बिल्कुल यहाँ पे मैंने पिज्जा चीज ली है, ये डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
चिकन हमने रेडी किया था वो इसके ऊपर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये शिमला मिर्च रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये ऑनियन रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये दोबारा से पिज्जा चीज डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, इसको मैंने प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इसके अंदर, मैंने आधे घंटे के बाद देखा तो पिज्जा बिल्कुल रेडी हो गया था। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। आप भी जरूर ट्राई कीजिए। मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। और इसमें आटा भी नहीं गूंदता पड़ता है और ये बहुत स्पाइसी बनता है, डिलीशियस बनता है। ये देखिए बहुत सॉफ्ट बना है। ये देखिए, अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है इसे सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह नेगेबान।